नए बंदों से मिलता हूँ मैं तो पूछते कहाँ से हो, मैंने कहा गुड़गांव से, बोला कौन से गांव से, अच्छा मैंने कहा नहीं सेक्टर में रहते हैं गुड़गांव में, ऐसे घर प्रॉपर है, मैंने कहा मेरी फुल टाइम व्हीकल है। तीन चार दिन पहले उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोला भैया आप आगे चले जाओ, तो लोगों को लगता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ग्राहक नहीं आते, या तो उसमें आपको देखेंगे मुर्गे ढोके ले जा रहा होगा या तो मिट्टी या ईंट है। बड़े गुस्से में थे, अच्छा। कि क्या लेने जा रहा है, कोई और गाड़ी ले ले, उन्होंने बोला हम पैसे दे रहे तू थार ले ले। मैंने आधे सेल्फ मेरी शुरू हुई, अच्छा माइनस 17-18 तक हमारे मैक्सिमम देखा था रात को, फील ही नहीं हुआ कि कोई और गाड़ी में 4-5-6 लाख-8 लाख डालने की जरूरत है। 9:30-10 बज रहा था शिमकुला में -30 डिग्री, उसको टो करके लाया क्योंकि वो बहुत घबरा गए थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी है आज, और वाकई में जबरदस्त है क्योंकि जिसने भी उस गाड़ी को खरीदा है कभी भी निराश नहीं हुआ है और उस गाड़ी ने हमेशा खुश रखा है, दोनों बात एक जैसी हो गई। लेकिन वो गाड़ी जो मैन्युफैक्चरर है जो उसे बनाता है उसकी हाईएस्ट सेलिंग कार है, और वो गाड़ी काफ़ी समय से आप देख रहे हो, अभी तक जो है उसका वर्चस्व कोई भी तोड़ नहीं पाया है। वो गाड़ी है महिंद्रा की बुलेरो, और ये बुलेरो है प्रीतिश भाई की। प्रीतिश भाई बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सर। और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता देता हूँ, ये है 2019 मॉडल और चल चुकी है 48,000 के आसपास। और सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि प्रीतिश भाई हैं जॉब करने वाले इंसान, अच्छी खासी आपकी जॉब है, फिर भी नेक्सोन है मार्केट में, उस टाइम पर आ गई थी, इको स्पोर्ट उस टाइम पर अवेलेबल थी, और भी बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवी थी इस प्राइस रेंज में, लेकिन आपने इस गाड़ी को ही क्यों सेलेक्ट किया? मुझे पता है कि इस गाड़ी की क्या कैपेबिलिटी, आप लोग भी जानते हैं और आपको पता ही होगा कि ये वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी है मेरी, लेकिन आपने क्या सोच के ली? जब मैंने ली थी तो मेरा पहला रीजन था कि टूरिंग के लिए। अच्छा। मैं पहाड़ों में जाता हूँ साल में 3 बार, और मेरा माइंडसेट था पहले जब मैंने 2500 cc की चलाई थी तो मेरा था, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। अच्छा। मैंने जाके बुक कराई, अगले दिन पैसे दिए, शाम को मैं गाड़ी उठा के ले आया। उसके बाद मेरा प्लान था कि कोई मारुति की इग्निस रखूंगा डेली यूज के लिए, पर इसको चलाने के बाद और इसका एवरेज देखने के बाद मेरे को सर फील ही नहीं हुआ कि कोई और गाड़ी में 4-5-6 लाख-8 लाख डालने की जरूरत है। अच्छा, कितना एवरेज दे रही है आपको? एवरेज सर मेरे को सिटी में दे रही है 19 का, और हाईवे पे 21 का जब मैं चलाता हूँ 110-105 पे। क्या बात कर रहे हो, 19 का एवरेज फुल टैंक में निकालता हूँ मैं, और पिछले एक साल में मैंने कम से कम 10-11 बार निकाला होगा। आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी 2019 में? मेरे को सर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की पड़ी थी, 5,000 शायद 5-6,000 ऊपर था। और 10 लाख रुपए के लायक है ये गाड़ी, पैसा वसूल करती है सर? ये 18 लाख के हिसाब से है। अच्छा। बिल्कुल जीरो खर्चा है सर मेरा, सर्विस के अलावा आज तक कोई खर्चा नहीं हुआ, कहीं बंद नहीं पड़ी, इसको बेकार से बेकार टेरेन पे चलाया मैंने, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, कीचड़ों में, देहात में, हर जगह इसको रगड़ा बहुत बुरी तरह, कुछ ना कुछ वियर टियर हो जाएगा, मैं उसके लिए रेडी था, पर अभी तक इसमें एक पैसे के भी खर्चा नहीं हुआ। कितना सर्विस कॉस्ट आता है सर? सर्विस कॉस्ट इसका वैसे एवरेज निकालोगे तो मेरा आ रहा है 4,700 से 6,000 तक। यार ऑथोराइज सर्विस सेंटर में 5,000 से 6,000 का खर्चा डीजल गाड़ी का, यार ये तो काफी, मतलब इतना तो पेट्रोल गाड़ियों का आ जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको एवरेज भी ये गाड़ी दे रही है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सर्विस का खर्चा भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल, तो दूसरे गाड़ी की जरूरत तो अब नहीं है शायद आपको। मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया सर, पहले साल इसको चलाने के बाद ही मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, बल्कि 6 महीने चलाने के बाद। फैमिली की तरफ से कोई मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि यार ये इस टाइप की गाड़ियां कौन यूज करता है आजकल घरों में, मतलब एज ए प्राइवेट कार कौन यूज करता है? सर मैं आपको बताऊं, मैं गाड़ी लेने गया था अकेला, घर वाले नहीं गए थे, बड़े गुस्से में थे। अच्छा। कि क्या लेने जा रहा है, कोई और गाड़ी ले ले, उन्होंने बोला हम पैसे दे रहे तू थार ले ले, पर मेरा ऐसा दिमाग था कि लेनी है तो बुलेरो लेनी है, तो घर वाला कोई नहीं गया लेने, मैं अकेला गया था। फिर जब धीरे धीरे इसकी यूज टू हुए घर वाले, तो इसकी कैपेबिलिटी समझी उन्होंने भी, मतलब कंट्री व्हीकल है नो डाउट, लेकिन फिर भी काफी हद तक इसको रिफाइन किया हुआ है कि आप बैठ के दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव आप कहीं घूमने जा सकते हो और कोई इशू नहीं है। तो अभी तक सर्विस के अलावा कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ इसके टायर जो है खत्म होने वाले हैं, इसके बाद आपने अपग्रेड करने का प्लान है आपका या फिर सेम साइज लगवाएंगे आप? सर मैं 235 का सोच रहा हूँ। 50,000 ऑलमोस्ट ये गाड़ी चल चुकी है, इसमें क्या क्या अच्छा लगा आपको? एवरेज आपने बता दिया, सर्विस कॉस्ट आपने बता दिया बहुत कम है, बाकी सारे टेरेंस में आपने चलाई है, उसमें आपको क्या फील हुआ कि ये गाड़ी आपको इतनी पसंद आने लग गई? अब सर पहले तो लोग बोलते थे कंफर्ट नहीं है, कंफर्ट अब पता नहीं, मैंने इससे पहले पोलो चलाई हुई है, उसके बाद कुछ टाइम तक मैंने बलिनो चलाई है, और उसके बाद मैंने ये चलाई है, ये सबसे लंबी मेरी 3 साल अभी चल गई ऑलमोस्ट, तो कंफर्ट मेरे को सर लगा नहीं, मैंने कंटिन्यूअसली इसको 30 घंटे चलाया हुआ है। एक दिन हम काजा से निकले थे स्पीति में, वहां से हमने किब्बर कॉमिक वगैरह जगाई करी, काजा में वापस आए, डीजल डलाया और सीधा नोएडा होते हुए गुड़गांव घर, और कहीं भी ऐसा भी नहीं कि पैर अकड़ा हो मेरा, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ, और मेरा देख रहे मैं बहुत हैवी वेट हूँ, तो
बहुत कंफर्टेबल मेरे लिए। हाँ, यही मैं पूछने वाला था, आगे की सीटों में तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता होगा क्योंकि सीटें काफ़ी छोटी है, थाई सपोर्ट भी उतना खास नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना कि इसमें सीटें चेंज करवा लो, मजा आ जाएगा आपको, अगर आपने गाड़ी लंबी रखनी है तो। प्लान है ऐसा लंबे रखने का इसका? अभी फिलहाल तो सर है। अच्छा, क्योंकि इतनी बढ़िया गाड़ी मैं चाहता नहीं बेचना, और अभी अगर बेच दूंगा तो मेरे को ये मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही, वो शेप उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी जो बोलेरो की थी। अच्छा, इसमें एक आध रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हाई स्पीड में आप नहीं चला सकते इसको ज्यादा देर तक, क्योंकि ज्यादा स्टेबल भी नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको ये फील नहीं होता जब आप चलाते हैं तो? सर, हाई स्पीड में देखो, मैंने इसको मैक्सिमम चलाया हुआ है 140 पे एक बार सिर्फ। अच्छा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे मैं ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट और ईस्ट ऑलमोस्ट घुमा हूँ, काफी घुमा हूँ। मेरी आज तक गाड़ी 150, कोई दूसरी गाड़ी भी 150 से 160 से ऊपर नहीं गई। अगर एडवेंचर के लिए आप एक बार रश कर दोगे आपको कम करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है मेरे को फील होता ही नहीं। मैं इसको 100 पे चलाता हूँ, आधा घंटा लेट पहुंचूंगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कंफर्ट और जो मेरे को एवरेज देती है 10 लाख के हिसाब से मैं खुश हूँ सर। अच्छा, आपकी फैमिली जब गाड़ी के पीछे बैठती है तो उनको कैसा एहसास लगता है, मतलब कैसा मजा आता है? या फिर सर पीछे स्पेस कम है, ये 3 लोगों के हिसाब से मैंने गाड़ी ली थी, और अगर आपके, क्योंकि मेरे घर वाले काफी एजेड है तो बैठने में चढ़ने में दिक्कत होती है, घुटने में दर्द होता है। अच्छा, ये एक फैक्टर है। और पीछे स्पेस देखोगे आप बिल्कुल नहीं, मतलब काफी कम है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा है लेकिन स्पेस नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, उसका भी इलाज है, वो बताते हैं आपको। और इस गाड़ी को चलाते चलाते बात करते हैं, क्योंकि ये BS6 नहीं है, BS4 है ये, और 2017 में आया था ये इंजन पहली बार इस बुलेरो में, और इतना बढ़िया एवरेज निकाल के दे रहा है, ये मैंने सोचा नहीं था। इस गाड़ी को चलाते हैं, इसको फील करके देखते हैं और आपको बताते हैं, और मजे लेते हैं। फिलहाल गियर लीवर वगैरह सब हिलता है, गाड़ी पूरी हिलती है, थोड़ा सा रॉ फील आएगा आपको इस गाड़ी में। देखो, अच्छी बात बताए क्या है इसमें, इसमें ABS भी है और ड्राइवर साइड एयरबैग भी है, रिफाइनमेंट काफी अच्छी है गाड़ी की, और इनिशियल पिकअप भी काफी अच्छा है, टर्बो का बूस्ट भी मिलता है, और जैसा आप देख पा रहे हैं घुमावदार सड़कों में तो बॉडी रोल मिलेगा क्योंकि पीछे लीफ स्प्रिंग है, गाड़ी ऊंची है। इस गाड़ी के तो आप वैसे यूज टू हो गए हैं, और नेक्सोन टाइप की जो गाड़ियां रखते हैं उनको इसमें क्या चीज बुरी लगेगी ये बताओ। सर पहली बात तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्ट मेरी क्योंकि ये सबसे लंबी पहली बार मैंने गाड़ी चलाई है। हाँ। तो मैं यूज टू हो गया, मैं ब्रिजा में बैठता हूँ, नेक्सोन में बैठता हूँ, कंफर्ट बहुत ही जबरदस्त, अगर वो इस पे आते हैं उनको कंफर्ट नहीं मिलेगा। शौक के लिए 2-3 किलोमीटर चला देंगे, ऑफ रोडिंग कर देंगे, पर वो छिक लेंगे। अच्छा, आप इसमें कहाँ कहाँ गए हैं? सर 2019 अगस्त में मैंने ली थी ये। हाँ। उसके बाद मैं 2 बार ले सर्किट कर चुका पूरा। अच्छा, वाया मनाली, वाया श्रीनगर 2 बार कंप्लीट किया है, और मैं 3 बार पूरा स्पिति सर्किट मैंने कंप्लीट किया, और बाकी राजस्थान जैसलमेर में पूरा ट्रिप कर चुका सर। देखो, आप जो ये लेह वगैरह जाते हैं, इसमें स्पीति वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर क्या एवरेज निकालती है यार ये गाड़ी? सर वहाँ पे लेह मैंने पहले साल ही एक्चुअली कर लिया था 2 बार, तो उसमें, और पहले साल मैंने इसकी एवरेज निकाली नहीं। अच्छा, मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि ये एवरेज के लिए है नहीं, तो फिर बाद में एक बार मैंने सडनली चेक कर ली टैंक टू टैंक, उसने मेरे को 16.23 की दी, तो फिर थोड़ा हौसला बढ़ा मेरा, फिर मैंने स्पिति ट्रिप पे इसकी निकाली थी। अच्छा। स्पिति ट्रिप पे इसने मेरे को 15 से 16 के बीच में दी। अब मुझे एक बात बताओ, फीचर लवर नहीं हो क्या आप? फीचर नहीं चाहिए क्या आपको गाड़ी में? सर AC है, म्यूजिक सिस्टम है, ठीक ठाक है, और छत है सर, मेरे को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इस गाड़ी से उम्मीद नहीं थी, और कैपेबिलिटी है सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। बट एक बात बताओ ना, जिस टाइप की अभी गर्मी पड़ रही है फिलहाल, उस हिसाब से AC देखा जाए काफी खतरनाक है, बहुत जल्दी केबिन को ठंडा कर देता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसकी क्या क्या चीजें बुरी लगती है आपको ये बताओ मुझे। सर बुरी पहली चीज तो मेरे को यही लगी, जब स्पीड में थोड़ा खुद को ही डर लग जाता। अच्छा। मैं काफी बार हुआ है 120-130 पे मैं गया था, तो डर मेरे अंदर बैठ गया था, क्योंकि गाड़ी वाइब्रेट करती है और ऐसा लगता है कि हल्का सा किया तो पलट जाएगी, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ 110 पे भी नहीं आता। क्रूजिंग करनी है 95-105 मेरी पेट स्पीड है, उस पे आधा घंटा मेरे को डिले होता है आने में, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके लिए हैवी नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी, और सेफ स्पीड मैं तो यही कहूंगा 80-90 आप चलाएंगे ना, आप इसमें टेंशन फ्री होके चलेंगे। दूसरी चीज, इसमें तो ABS वगैरह है, जो पहले गाड़ियां आती थी बुलेरो वगैरह उसमें क्या चीज देखने को मिलती थी, अगर आप जोर से ब्रेक मारेंगे या फिर हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो गाड़ी एक साइड को घूम जाती थी, क्योंकि पीछे जो है इसके लीफ स्प्रिंग है, उतना ज्यादा बैलेंस नहीं रहती है गाड़ी। लेकिन लीफ स्प्रिंग का भी पर्पज है, आप ज्यादा से ज्यादा इसमें वजन ढो के चल सकते हैं, आप मैक्सिमम 3 लोग चलते हैं इसमें। सर 3 लोग चलते हैं, और एक और बात, स्पीड में अगर मैं आपको बताऊं कंसिस्टेंसी इसकी,
एक बार हम लखनऊ से आ रहे थे आम लेके, हमने 100 किलो आम लिए थे, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके पीछे और बीच में रखे थे, और हम 3 लोग थे, हैवी थे, 100-100 किलो के। तो जब गाड़ी में वेट हुआ तो उसका परफॉर्मेंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैंने उस टाइम तेज भी चलाई, मेरे को डर नहीं लगा। अच्छा, 120 पे आगरा लखनऊ पे यमुना पे 120 25 30 पे भगाया, मतलब फिर मैंने नोटिस किया कि वेट ज्यादा होता है तो बहुत ही अच्छी चलती है। पीछे की सीटों का यूज होता है? कोई आज तक बैठा नहीं, सामान रखा है उसमें बहुत। अच्छा, 5 सीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं अभी आप इसको, जैसा आप बता रहे हो। सर वैसे तो टेक्निकली 4 सीटर है, कंफर्टेबल होके जाना है, क्योंकि मैं 6, मेरी हाइट 6'1" है, और मेरे घर में ज्यादा मतलब 5.5 से 6 के बीच में लोग हैं, तो मैं बिल्कुल पीछे करके बैठता हूँ, पीछे मेरे कोई बैठ नहीं सकता। 3 लोग आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हो, मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा नहीं। इसके पैडल आपको ऊंचे नहीं लगते? सर पहले पहले लगे थे, बहुत ऊंचे लगे थे, अब तो और अब यूज्ड टू हो गया। इसमें एक चीज है ना, ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी में, आप 50-55 की स्पीड में 5वें गियर में भी आराम से क्रूज कर सकते हैं, आराम से उठा भी लेगी, 0 से उठा लेगी ये तो, 5वें गियर में उठा देगी सर, 0 से 5वें गियर में उठा देगी। आप एक किस्सा बता रहे थे, आपने इससे कई गाड़ियों को टो भी करा हुआ है। सर इससे मैंने थार को टो किया हुआ है, और एक बार अर्टिगा को टो किया हुआ है। थार को तो जैसे मैंने नीचे वो लांगजा में थे हम, तो साइड के उसमें स्नो होता है जब, तो उनको लगा कि स्नो है, वो अंदर जाके घुस गए, तो उनको मैंने बस उठा के ऊपर रखा था। और एक बार रिसेंटली अभी लास्ट नवंबर की बात है, मैं और एक अर्टिगा थी बुड़गांव की, तो हम शिंकुला क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो शिंकुला से 5-5.5 किलोमीटर पहले जाके रुक गई अर्टिगा, फंस गई स्नो के अंदर, और हम काफी आगे तक चले गए, 1.5 किलोमीटर रह गया था, फिर ये भी फंसने वाली थी, इसमें मैंने वापस ले ली और अर्टिगा सर बंद हो गई, तो अर्टिगा को पूरे नीचे ढलान पे सिंगल रोड पे, खराब रोड पे मैं 7 किलोमीटर टो करके लाया। अच्छा। आराम आराम से नीचे, फिर हमें आर्मी के ट्रक्स मिले, उन्होंने उसको अपने उससे टो करके वो ले गए उसको जिस्पा में, उसको 7 किलोमीटर में रात के अंधेरे में 9:30 से 10 बज रहा था शिंकुला में -30 डिग्री, उसको टो करके लाया क्योंकि वो बहुत घबरा गए थे अर्टिगा वाले। ये इंसिडेंट बहुत अभी रिसेंटली लास्ट दिवाली का। प्राउड फील करवाती है ऐसे? सर उस टाइम तो कराया था डेफिनेटली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किन लोगों ने लेनी चाहिए ये गाड़ी? सर जिनकी पहली गाड़ी है और ज्यादा बजट अगर 10 से 12 लाख के बीच में है, और अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अगर वर्किंग हो, घूमना भी है पहाड़ों में या रेगिस्तान में, बहुत सूटेबल गाड़ी है। मैं इसको ऑफिस भी लेके जाता हूँ डेली, और घूमने भी लेके जाता हूँ। अच्छा, दोस्त लोग मजाक नहीं बनाते हैं क्या बुलेरो लेके? सर पहले पहले बहुत बनाया था, पर वही एक इसकी स्टेटमेंट बन गया है ना कि यार गाड़ी लोहा लाट गाड़ी है। ये गाड़ी आपकी अब पहचान बन गई होगी है ना? हाँ, बुलेरो वाले भाई साहब आ रहे हैं। एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी तो आपने टायर वगैरह और कोई मॉडिफिकेशन करवाया? कुछ नहीं कराया सर, कुछ नहीं कराया। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत कम लोग इसको हाथ देते हैं, यानी कि पुलिस वाले, बिल्कुल कहीं पर चेकिंग वगैरह चल रही होगी तो बहुत कम हाथ देते होंगे। मेरे को आज तक नहीं, एक बार पकड़ा था चंडीगढ़ में, उसके बाद से लेकर आज तक मेरे को किसी ने हाथ नहीं दिया, किसी ने चलान करने का नहीं सोचा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है सर पुलिस की गाड़ी है। कभी गुड़गांव में आप जो ये हुड्डा सिटी वाली रोड है, यहाँ पे रोड साइड लोगों ने वो खड़ी अपनी पटरियां डाल रखी है, तो वहां पे मैं कई बार खड़ा होता हूँ, मेरी कॉल वगैरह होती है ऑफिस की, तो वहां पे कई बार मैं टीम्स कॉल पे हो जाता हूँ बिजी, तो वो बोलते हैं भैया आप आगे चले जाओ, लोगों को लगता है पुलिस खड़ी है, वो लोग हाथ हमारे ग्राहक नहीं आते। अच्छा। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हुआ, एक आंटी थी, उन्होंने मटके की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां बनाती है, तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार में उनके पास ही खड़ा हो गया। अच्छा। हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 दिन पहले उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोला भैया आप आगे चले जाओ, और लोगों को लगता है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ग्राहक नहीं आते। देखो इस गाड़ी में ना कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ना आपको सीटों में आप इसमें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा वो आपको जो है खुद को करना पड़ेगा, ठीक है, आपको आदत डालनी पड़ेगी इस गाड़ी की। जो फर्स्ट टाइम चलाता है बड़ी ही अटपटी लगती है उसको ये गाड़ी, लेकिन जब एक बार यूज्ड हो जाता है तो अच्छी लगती है, क्योंकि जो सीटिंग पोजीशन है और जो बोनेट की विजिबिलिटी है ना काफी जबरदस्त है इस गाड़ी की। एंजॉय करने लगोगे इस गाड़ी को, अगर जिनके पास होगी वो रिलेट कर पाएगा। पर एक ड्रॉबैक है सर, मैं आपको बताऊंगा। हाँ बताओ। जो ये गाड़ी चलाता है, उसके बाद आपने पूछा दूसरी गाड़ी अगर चलाए तो, दूसरी गाड़ी ना वो कभी ना कभी तो ठोकेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मैंने, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने दो बार एक ही गाड़ी ठोकी है, 2 बार बलिनो। क्यों, बोनेट नहीं दिखता? बोनेट नहीं दिखता। देखो आपकी सारी बातों से ना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और बस एवरेज आप ना बहुत बढ़िया निकाल रहे हो, या तो सिर्फ ये गाड़ी निकाल रही है। एक्चुअली क्या, पूछ भी आप बहुत कम से सकते हो, क्योंकि सिटी में जो मेरा यूज है ना बोलेरो का, वो किसी का बहुत कम लोगों का यूज होता है। अच्छा। जो ऑफिस भी जाता है
और जो घूमने वूमने भी जाता है डेली यूज के लिए बहुत कम लोग लेते हैं। या तो इसमें आपको देखेंगे मुर्गे ढोके ले आ रहा होगा या तो मिट्टी या ईंट है, आपको वही देखेंगे। तो मैंने फिर भी कुछ लोग देखे, एक लेडी के पास है गुड़गांव में, उनसे मेरा उनके पास पुराना वाला है 2500 cc वाला। अच्छा। उनकी एवरेज मैंने पूछी थी, वो खुद ड्राइव करती है, पिछले 6-7 साल से वो ड्राइव कर रही है, उनकी 16-17 की एवरेज वो उसमें निकलती है, उनका सिर्फ ऑफिस में जाना आना काम है। तो मैंने अभी 2-3 से पूछा फिर भी, तो एवरेज सर ठीक है, लेकिन मेरे जितनी मैंने कभी किसी को देखा नहीं। बुलेरो में कहीं से कहीं उतरोगे ना गाड़ी से, इमेज बन जाएगी भाई बुलेरो से निकला है, मतलब ऐसे ही है। जैसे नए बंदों से मिलता हूँ मैं, तो पूछते कहाँ से हो, मैंने कहा गुड़गांव से, बोला कौन से गांव से। अच्छा। मैंने कहा नहीं सेक्टर में रहते हैं गुड़गांव में, ऐसे घर प्रॉपर है। मैंने कहा मेरी फुल टाइम व्हीकल है। बहुत बार हुआ है। मैं तो भाई बॉडी ऑन फ्रेम लवर हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आती है गाड़ी, जिस बजट में ही आती है। इतनी ज्यादा बिकती है कोई ना कोई रीजन तो होगा, वो है इसकी रिलायबिलिटी और साथ के साथ जो एक्सपेंसेस हैं इसमें काफी कम होते हैं, लेते वक्त भी, चलाते वक्त भी और साथ के साथ सर्विस करते वक्त भी। और मजे पूरे देती है ये, मजे वो भागने वाले नहीं, ऑल टेरेन अगर आप जाने की बात करते हैं, कहीं पर भी जाने की बात करते हैं, वहां पूरे मजे देती है। बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं मैंने जो एक्चुअल में ले रहे हैं बुलेरो को लेके एंजॉय कर रहे हैं। इसका टर्निंग रेडियस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये दो बार में उठती है। दिल्ली में जाता हूँ मैं, हमेशा दो बार में उठती है। गालियां पड़ती है, बहुत पड़ती है, पर ठीक है। एक बात पूछना चाहूंगा, इसके बाद कौन सी गाड़ी? सर मेरा प्लान तो था गुरखा का, क्योंकि 2-3 महीनों से मैं इतना ज्यादा उसमें मुझे पसंद आ गई, मेरा प्लान था कि लेके रख लो, इसको भी जब तक चलेगी ये भी चलाऊंगा। अच्छा, कहने का मतलब है आपको रॉ गाड़ियां पसंद? रॉ गाड़ियां चाहिए। इससे आदत लग गई या फिर? इससे आदत लगी, टू बी ऑनेस्ट, इससे आदत लगी। और एक और चीज है सर रिगार्डिंग इसके सेल्फ के बारे में, एक बार हम नवंबर में गए थे स्पीति, 2 साल पहले, तो जस्ट आफ्टर सेकंड फर्स्ट वेव, तो उसमें दो गाड़ियां थी हमारे साथ, थार थी और BS4 और Isuzu, दोनों उबलता हुआ पानी डाल रहे हैं इंजन में, कुछ नहीं। मैंने आधे सेल्फ में मेरी शुरू हुई थी। अच्छा। -17-18 तक हमारे मैक्सिमम देखा था रात को। आप तो -17-18 अब बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने -30 बोला था, उस टाइम भी मेरे दिमाग में आया था लेकिन स्लिप हो गया उस टाइम भी। वो एक्चुअली क्या है, हमने गाड़ी बंद ही नहीं की सर। अच्छा। वहाँ पे बंदी, वहाँ पे क्योंकि बंद करने लायक नहीं है, शिंगुला काफी टॉप पे है और वहाँ पे हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन बहुत कम है। मेरे साथ दो चल रहे थे, दोनों की हालत खराब हो गई थी, हेडेक हो गया था। अच्छा। तो वहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली ऑन रखी, हीटर इसका कंटिन्यूअसली चालू रखा। अच्छा। वहाँ पे अगर क्योंकि आधा घंटा बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये है बुलेरो का ओनरशिप एक्सपीरियंस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू प्रतिश आने के लिए और गाड़ी के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सर।